हमने किसानों के साथ मिल के पैडी ट्रांसप्लांटिंग डे मनाया था, वो सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव से मनाया था कि 21 जून से पहले जिस पैडी की ट्रांसप्लांटिंग कश्मीर में अगर हो जाए तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो जो उसका अल्टीमेट पोटेंशियल होता है उससे कम नहीं होता है। उस 21 जून के बाद जो जो भी ट्रांसप्लांटिंग डिले होती चलेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो घटते जाते हैं। तो हमारी इस छोटी सी पहल से और आप सब लोगों के तावन से और ख़ासकर फार्मर के तावन से हमारी वो जो कम्पेन थी वो एक मिशन मोड में जब स्टार्ट होगी तो ऑलमोस्ट 99% जो हमारा एरिया था वो 21 जून से पहले सारे का सारा ट्रांसप्लांट हो गया। कुछ दो तीन जगहों पे हम लोगों को दिक्कत आई जहाँ पे के हमारे जो मेन इरिगेशन कैनाल्स थे वहाँ पे वो जो 1% एरिया मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 2-4 दिन का डिले हुआ, लेकिन अल्लाह का ये फजल रहा कि इस साल बारिशें वक्तन फवक्तन होती रहीं, बीच में टेम्परेचर गर्म भी हुआ, लेकिन जितनी अच्छी पैडी की क्रॉप मैंने अक्रॉस द वैली तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों का एक एक्सटेंसिव टूरिंग की कि इस वक्त पैडी जो है वो मेचोरिटी स्टेज पर है और हर डिस्ट्रिक्ट में पैडी की जो क्रॉप है वो पिछले सालों के मुकाबले में अच्छी फसल है। खुदा ताला का कि इस साल मौसम भी अच्छा रहा, धूप भी अच्छी रही और फसल भी अच्छा रहा। मतलब कि हमारा जो ये मतलब ज़मीन है इसी पर सब कुछ है हमारा, चाहे इस वक्त इस साल फसल भी अच्छा है हमारा। तो शुक्र, कब से आप लोगों ने इसका मतलब ये जो शाली काटना शुरू कर दिया, अभी कितने देर तक चलेगा? यही 10-12 दिन तक चलेगा सर। तो बहुत सारे लोगों पर इसका रोजगार बनता है? जी सर, मजदूर तबका है सर, बाहर से लोग भी आते हैं वो भी काटते हैं सर, उनका भी रोजगार चलता है सर।